नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मनी मंत्रा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अपना जो मिशन है लेट्स ग्रो टुगेदर, उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार अपने जो 1470 ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो 1470 अपने सब्सक्राइबर हैं, उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप चैनल पर रेगुलरली देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अपना मिशन है लेट्स ग्रो टुगेदर, हम एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं हमेशा आपसे हेल्प मांगता हूँ कि आप हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने में, और उसमें आप मेरी भरपूर हेल्प कर रहे हो। उसके बदले में मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स लेके आऊँ। तो आज भी सर, मैं लेके आया हूँ आपके लिए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के बेहतरीन स्टॉक्स, और एक 11 रुपये का स्टॉक जो आने वाले टाइम में 50-55 रुपये का हो सकता है। तो वो स्टॉक आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। अभी स्टॉक डिस्कस करेंगे सर, चार्ट के ऊपर एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस और निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल का आइकन दबाएंगे ना तभी तो आप पाएंगे बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक्स, पोर्टफोलियो स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स, जो आपके पोर्टफोलियो को डबल ट्रिपल नहीं 5 to 10 times की ग्रोथ दे सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज, बहुत जरूरी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स। हमेशा छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना सीखिए दोस्तों। आपने कोई क्वांटिटी उठाई है 100 स्टॉक्स, तो अगर आपको 115% 20% प्रॉफिट दिख रहा है, 10% 15% दिख रहा है, तो 30% क्वांटिटी बेच दीजिए, आप 50% क्वांटिटी बेच दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट जो दिख रहा है ना उसको जरूर टाइम टू टाइम बुक करते रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है कि लोग बड़ा प्रॉफिट देखते रहते हैं और थोड़ा सा और के चक्कर में वो सारा छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपडेट कीजिए, अवॉइड कीजिए। आप देख लीजिए, आप कभी भी जैसे आपके घर में सीढ़ियाँ होंगी, आप ऑफिस जाते हो सीढ़ियों से चढ़ के जाते हो, तो आप एक बार में 5 step या 7 step चढ़ के देखिए कितना मुश्किल होता है, और एक बार में सिंगल एक स्टेप, छोटा सा एक स्टेप लेंगे तो कितनी लाइफ इजी हो जाती है। यही मैसेज है दोस्तों। अभी डिस्कस करते हैं आपके फायदे का सौदा, वो स्टॉक्स जहां पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हो, एटलीस्ट बैंक की एफडी से तो ज़्यादा, क्योंकि बैंक की एफडी तो सर 10 से 12 साल लगा देती है, और यहाँ अगर आपके स्टॉक 2 से 3 साल, चुने हुए स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स 2 से 3 साल में पैसा डबल कर दें तो क्या बुरी बात है, और शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 20% 30% के प्रॉफिट दे दे, तो वो स्टॉक देखते हैं दोस्तों। पहले निफ्टी, देखो निफ्टी का ये चार्ट है सर, कितना अच्छा लग रहा है, केवल छोटी छोटी, मतलब ये कितना कम नॉइज है ना, ये वीकली कैंडल है सर, वीकली कैंडल, एक कैंडल 1 वीक का काम डिनोट करिए, तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, निफ्टी धीरे धीरे सरक रही है। कल हमने डिस्कस किया था कि 18,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वो 18,200 का लेवल आ गया है, उसके ऊपर सस्टेन भी करी है, तो देखते हैं 18,600 का लेवल कितनी जल्दी हमको मिल सकता है। हो सकता है कि 1 वीक लग जाए या 2 वीक लग जाए, तो आने वाले टाइम में वो पता लगेगा दोस्तों हमको। अभी हमारे पास क्या है, अभी पहले डेली देख लेते हैं, डेली के अंदर क्या होने वाला है। डेली के अंदर ये देखिए निफ्टी अच्छी लग रही है हमें, तो आने वाला पड़ाव ये हो सकता है दोस्तों, ये वाला, ये लाइन है जो 18,330 की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए आने वाले टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना ट्रेड लीजिए दोस्तों। कल निफ्टी की और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो अपने ट्रेड उसके अकॉर्डिंग ही लेना दोस्तों। कुछ चीज़ अवॉइड करनी हो सकती है कर सकते हैं। कल का दिन होता है ऑप्शन सेलर्स का, तो ऑप्शन सेलिंग करके जो चलेगा उसको पैसा मिलेगा। पहला स्टॉक है दोस्तों डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी देखो कितना काफी गिर चुका है, यहां पे अब निचले लेवल पे एक हैमर बना है, यही एक पॉजिटिव थॉट मुझे नजर आता है इसके अंदर। और ये एमएसीडी मुझे लगता है कि यहां से अपमूव आएगा आने वाले टाइम में। अभी देखो 4700 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब नहीं हुआ, 4700 के ऊपर गया था। इसका फ्यूचर हमने दिन में एटलीस्ट 3 बार ट्रेड किया था, तो 3 बार में हमने कुछ, एक बार 20 पॉइंट, एक बार 15 पॉइंट और एक बार 10 पॉइंट निकाले हैं हमने। फिर भी अभी हम उसके अंदर एक पोजिशन अभी भी होल्ड पे है, इसका फ्यूचर आप कल भी बाय कर सकते हो इसको। एक्चुअली ये जो लेवल है ना, ये 4724 रुपये का लेवल, 4720 रुपये का लेवल है, ये इसका 20 EMA और 50 EMA का लेवल है, इसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्या कल इसको ये क्रॉस कर पाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसकी आप 5,000 रुपये की सी भी बाय कर सकते हैं जो 20 रुपये के आसपास है, अगर कोई जो लोग चाहे तो 5,000 रुपये की सी बाय कर सकता है जो 20-21 रुपये के आसपास है, नोट करके रख सकते हैं दोस्तों। बाकी ये टारगेट है हमारे 4747 4772, ये टारगेट के साथ आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होगा सर M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए ये जो लाइन है ये यहाँ पे मैंने अपने जो क्लाइंट्स हैं, क्योंकि वीडियो तो अभी बन रहा है, पर जो मेरे डे टू डे क्लाइंट्स होते हैं मैंने यहाँ पे उनको दे दिया था। अब 855 रुपये से अभी ये आज इसने हाई बनाया 884 रुपये का, जो मेरा पहला टारगेट था 886, उससे बिल्कुल पास में है जी। आज का वॉल्यूम अच्छा है तो मैंने उनको मैसेज किया था कि कोई 50% क्वांटिटी सेल भी कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली है, 200 शेयर लिए हैं तो 100 शेयर बाय कर सकते हैं, हमको 20 रुपये से ज़्यादा निकल चुका है, 20 रुपये निकल चुके हैं। तो अभी इसके अंदर आप पोजिशन बनाएं दोस्तों, आपको 928 to 970 के टारगेट आपको नियर फ्यूचर में मिल जाएंगे। जो दोस्त इसका ऑप्शन बाय करना चाहता है तो वो 900 रुपये की कॉल बाय कर सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट होगा सर सीक्वेंट साइंटिफिक। ये स्टॉक मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये फिर से लेके आया हूँ। अभी ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है आपको, इसका ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के साथ आया है, इसमें अभी 184 रुपये के लेवल पे है, 180 से 184 185 86 जिस भी लेवल पे मिले 180 के ऊपर आप इसको बाय कीजिए, इसको बाय कीजिए आप। 207 222 253 295 के इसके फ्यूचर के टारगेट है दोस्तों, यहाँ से स्टॉक आपको 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक का प्रॉफिट दे सकता पर शेयर। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो है इसका MACD चार्ट है दोस्तों। MACD देखो क्या डिनोट कर रहा है, राइट टाइम ऑफ एंट्री। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ वो स्टॉक लेके आने की जहाँ पे राइट टाइम ऑफ एंट्री आ गया है, तो इस स्टॉक में राइट टाइम ऑफ एंट्री आ गया है। शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड करना है तो आपको 1 से 4 वीक का टाइम देना पड़ेगा, और मिड टर्म के लिए आपको 6 से 8 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो टाइम फ्रेम ऐसा है, इसके होल्डिंग आप जैसे आपकी ट्रेडिंग हैबिट के अंदर आता है उस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, हाँ पैसा इसके अंदर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट होगा सर दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट का भाई। तो देखिए ये जो इसके अंदर पैटर्न बना है, वीकली कैंडलस्टिक है, वीकली कैंडलस्टिक के अंदर ये कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो गया जी, कंप्लीट होके ब्रेकआउट भी आ गया है। स्टॉक 486 पे है, मेरे कुछ क्लाइंट ने 475 पे बाय किया था इसको आज, जिनका पेड क्लाइंट, जो मेरे पेड क्लाइंट हैं उनको मैंने समय पे ही बता दिया था कि राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया है जी। ये देखिए ये राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, डे टाइम में उनको पहले अपडेट मिल जाता है। आपको भी चाहिए तो आप ये स्टॉक्स आप चेक कर सकते हैं, आप टेलीग्राम के चैनल पे भी मैं कुछ शेयर्स अपने ट्रेड्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला टेलीग्राम पे ढूंढ के। तो अभी बात करते हैं दीपक फर्टिलाइजर की। दीपक फर्टिलाइजर भी 846 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमारे टारगेट है इसके 666 877 1060, बट इसके लिए मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, 6 महीने से 1 साल की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसके अंदर 10 से 15% 20% के गेन आप शॉर्ट टर्म में 1 से 4 हफ्ते में पकड़ सकते हो, और 501 के ऊपर जब भी बंद होगा ना डे क्लोजिंग बेसिस पे तो वहाँ से ये भागने वाला है। 501 का लेवल आप नोट करके रखना दोस्तों। नेक्स्ट होगा सर मैन एंड बियरिंग। देखो हमारे कुछ क्लाइंट इसमें पहले से ही इन्वेस्टेड है जहाँ पे उनको 50% के गेन हो रहे हैं। ये वापस से मैंने आज इसलिए किया है, एक हमारे फ्रेंड है मिस्टर अजय, उनके पोर्टफोलियो में है ये, हमारी आज डिस्कशन भी हुई थी उसके साथ। कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है मैंने उनको, वो मुझसे पूछ रहे थे 90 हो गया बेच दे क्या, मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि ये बेचने का टाइम नहीं, यहाँ पे और ऐड करने का टाइम है अगर आप चाहें तो। MACD और स्टोकेस्टिक्स बहुत ही अच्छे अपटिक में दिख रहे हैं। वॉल्यूम आप देखिए इसका वॉल्यूम का, पिछले कितने दिनों से इसका देखो ब्रेकआउट कितने दिनों बाद आया है, 2019 के बाद अब आया है स्टॉक यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है सर ये, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम MACD का बैकअप है। स्टॉक आपको जल्दी ही 120 से 150 के लेवल दिखाने वाला है, आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए आपको पैसा बनेगा सर, और इसके बारे में अपनी तरफ से भी रिसर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा सर GNFC गुजरात नर्मदा। अब देखिए
ये स्टॉक हमने एंट्री हमारी 380 रुपये के आसपास थी इस वाली कैंडल पे। उसके बाद ये स्टॉक का हमारा टारगेट है उस टाइम पे 470 to 500, अभी ट्रेड कर रहा है 7465 के आसपास। इसने 470 और ये 500 के टारगेट हमारे काफ़ी पहले ही कंप्लीट कर दिए थे। हम वेट कर रहे थे यहाँ पे, ये डाउन डा रहा था तो मैं वेट कर रहा था ये 20 EMA के ऊपर जाए, 20 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, तब मैंने इसको वापस से अपने वीडियो के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर फिर से ऐड कर किया है। यहाँ पे आप बाय करेंगे तो 4700 के टारगेट के साथ भी आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में आपको 500-550 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। ये स्टॉक ने भी देखिए आप, ये 2019 के बाद अब ब्रेकआउट है यहाँ पे। ये इसका MACD मैं आपको दिखा देता हूँ, MACD बिल्कुल राइट अलोकेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। ये इसका स्टॉक के स्टिक्स में दिखा आपको दिखा देता हूँ। आप आज के दिन का लास्ट और पावरफुल स्टॉक है सर जेकपो स्टॉक, पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, करीबन 8 रुपये के आसपास मैंने आपको बताया था जेपी पावर। जी हाँ सर, जेपी पावर का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 10 रुपये 30 पैसे के आसपास, आज नीचे भी गया था 9 रुपये 30 पैसे भी हो गया था ये। इस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपका व्यू है शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीने से 3 महीने की इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे शॉर्ट टर्म 1 वीक से 3 वीक होता है नॉर्मली, जो मैं कॉल शेयर करता हूँ आपके साथ। यहाँ पे आप 1 महीने से 3 महीने टाइम देंगे तो यहाँ से स्टॉक 16 रुपये 21 रुपये 25 रुपये लग के लेवल आपको दिखा सकता है। पिछले 3 वीक का वॉल्यूम देखिए, 3 से 5 वीक का वॉल्यूम देखिए सर इसके अंदर। और अगर आपका व्यू थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, तो 50 रुपीज़ के टारगेट के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं दोस्तों। तो ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर मल्टी फोल्ड रिटर्न दे सकता है। आप अगर इसके 1000 स्टॉक बाय करते हैं इस लेवल पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब ये 20 रुपये या 25 रुपये के लेवल पे चला जाए, वहाँ पे आप 50% क्वांटिटी सेल कर दीजिए और बाकी 50% क्वांटिटी को फर्दर टारगेट के लिए होल्ड कर दीजिए। तो ये वो स्टॉक्स थे सर जहाँ पे आपका बेहतरीन मल्टी बैगर अच्छे रिटर्न निकल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 30% तक के रिटर्न निकल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो डबल पैसा हो सकता है। जिन दोस्तों को मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम पे मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला सर्च करके वहाँ पे मुझे ढूंढ सकते हैं, और वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री चैनल है दोस्तों, चैनल पर आपको डेली बेसिस पे 4, 5, 6, 7 कॉल्स आपको डेली मिलती रहेंगी। और इसमें अगर कोई पेड क्लाइंट पेड जुड़ना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, वो अगर वो चुनना चाहे तभी। पहले आप चैनल को देखिए, आप 2 से 3 वीक चैनल पर रहिए, आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप डिसीजन लेना कि आपको पेड उस पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चीज़ों को देखिए समझिए परखिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए, क्योंकि अपने चैनल पर आपको हमेशा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, रेगुलर अपडेट मिलेगी मार्केट के बेहतरीन शेयर्स की, जहाँ पे राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया है। क्योंकि मार्केट में सबको पता है कि पैसा सस्ता खरीदो शेयर और महंगा बेचो, तभी पैसा बनता है, बट सबको ये नहीं पता कि राइट एंट्री कौन सी है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर कि बिना समय गंवाएं आपको राइट टाइम ऑफ एंट्री बताऊँ कि ये राइट टाइम ऑफ एंट्री है और यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, तभी पैसा बनेगा। तो फैसला आपका है दोस्तों, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए सर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मंत्रा। मनी मंत्रा पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएं, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, बाहर तभी जाएं जहां आपको अर्जेंट ज़रूरत है। अपना सैनिटाइजर अपना मास्क वगैरह बिल्कुल लेके जाएं सर, पूरी एहतियात रखें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर ही बिताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं अपने जो 1470 ब्रांड एम्बेसडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपने फ्रेंड्स में चैनल को जरूर शेयर कीजिए।